दोस्तों, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड टीकाकरण की। याद कीजिए वह दिन जब पूरा देश लॉकडाउन था, चैनलों पर भयावह तस्वीरें आ रही थी। हम सभी के मन में सिर्फ एक ही इच्छा था, प्रभु अपने अपने इष्ट देव से यही मांग रहे थे कि किसी तरह इस महामारी से हमें निजात मिले। तमाम रिसर्च के बाद सिर्फ यही पता चला कि जब तक इस बीमारी का, इस महामारी का टीका नहीं आ जाता है तो इस बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते हैं। वैज्ञानिकों और हेल्थ वर्करों की कड़ी मेहनत के बाद वह समय भी आ गया, टीका बन गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि अपने देश में दो टीके भी सफल रहे, सबसे ज्यादा कारगर। और हेल्थ वर्करों को, फ्रंटलाइन वर्कर को टीका मिल चुका है, अब बारी है आम लोगों की। लोगों में तरह तरह के सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है कि टीका कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, आखिर यह टीका आम लोगों को कैसे उपलब्ध होगा, पहले किसको मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम देंगे, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर देखते भी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ चैनल देख लेते हैं, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फेयर नहीं है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इस बार जो दूसरा जो टीकाकरण का जो चल रहा है, दूसरा दौर जो टीकाकरण आम लोगों के लिए किया जा रहा है, जो सरकारी और निजी दोनों स्तर से टीका दिया जाएगा। बिहार में 1 मार्च से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, पहला टीका, और दूसरा टीका 28 मार्च को लगेगा, 28 मार्च से लगेगा। आपको बता दें कि कोरोना का जो टीकाकरण है सिंगल डोज नहीं है, डबल डोज है, एक टीका लगने के बाद दूसरा डोज जो है, सो 28 दिन बाद उसको लेना है, उस टीके को लेना है, तब यह कारगर है। तो इन तमाम बातों की हम जानकारी देंगे। और बता दें कि आप सरकारी स्तर पर जो टीकाकरण लीजिएगा तो फ्री में होगा, और प्राइवेट से लीजिएगा तो उसमें पैसे लगेंगे। 1000 टीकाकरण केंद्र सरकारी है, 10000 टीका केंद्र सरकारी है, जबकि 20000 टीकाकरण केंद्र निजी हाथों को दिया गया है। सबसे पहले टीकाकरण जो होगा जो बुजुर्गों को लगेगा, 60 साल से ऊपर वाले को लगेगा, और 45 साल से ऊपर वाले को, ऐसे लोगों को लगेगा जिनको गंभीर बीमारी है। आपको तो पता होगा, चाहे आप देख रहे होंगे, कि जो कोरोना से अगर कोई ग्रसित होता था तो उनकी मौत, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती थी, जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, उन्हें ज्यादा परेशानी हो जाती थी। तो वैसे 45 वर्ष तक के, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, ऐसे लोगों को भी टीका दिया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। तरह तरह के अफवाह भी फैल रहे थे कि टीका लगाने के बाद नुकसान होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा, वो तमाम क्या साइड इफेक्ट होगा, वो तमाम जानकारी मैं दूंगा, और वो जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही कारगर होगी वो जानकारी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और टीकाकरण जो टीका लेना है उसके लिए कौन सी ऐप लॉन्च है, क्या क्या स्टेप है, पूरे का पूरा बात मैं 10 बिंदुओं में समझाने वाला हूं। मैं 10 बिंदुओं में आपके टीकाकरण का, जो कोरोना का टीकाकरण का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे वैक्सीन लेना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। तो हम आइए देखते हैं कि टीकाकरण के लिए सबसे पहले क्या करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, तो देखते रहिए वीडियो। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सैकड़ों परीक्षण के बाद कोरोना का टीका का खोज हो गया। पहले चरण में हेल्थ वर्करों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाना है। अब बारी है देश के बुजुर्गों की, और 45 साल से ऊपर ऐसे लोग जिन्हें जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। लोगों के मन में सवाल है, आखिर यह टीका कहाँ लगेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, और कैसे टीका लगाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करें,
क्या करें कि हमें टीका लग जाए। इन सारों सवालों का उत्तर हम 10 पॉइंट में देते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पॉइंट नंबर एक कि आपको कोविड ऐप डाउनलोड करना होगा जो अभी चालू नहीं है, दर्शकों को बता दें। उसके बाद ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, फोटो आईडी लगाएं। फोटो आईडी लगने के बाद तीसरे नंबर में है टीका कब कहां लगेगा, आपको यह जानकारी एसएमएस से मिल जाएगी। अब एसएमएस से जब जानकारी मिल जाने के बाद आपको चौथे नंबर में घर से नाश्ता खाना खाकर टीका लगाने के लिए आपको जाना है, हेल्दी खाना खाना है और टीका लगाने के लिए जाना है। उस पांचवें नंबर में रजिस्ट्रेशन के समय मिला एसएमएस दिखाना है, फोटो आईडी का मिलान भी होगा इसलिए अपना आईडी लेकर जाएंगे। छठे नंबर में ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा और टीका लग जाएगा। ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको टीका लगा दिया जाएगा। आधे घंटे आपको निगरानी में रहना होगा। आधे घंटे की निगरानी के बाद 28वें दिन, पहली डोज के 28वें दिन आपको दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके बाद 14 दिन बाद प्रतिरोधी क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, लेकिन 14 दिनों तक आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। इस दौरान आपको जो टीका लगने के बाद प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाएगी। प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने में 14 दिन का समय लगता है, उसके बाद आपको कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा। लेकिन टीका लगने के 14 दिनों में, टीका लगने के 14 दिन बाद प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है। आपको ये बता दें 14 दिन तक सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए इन 14 दिनों में? तो इन 14 दिनों में आपको मास्क पहनना है। 9वां नंबर है, आपको मास्क हर हाल में पहनना है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथ धोना है। हाथ धोना है जैसे पहले धोते थे वैसे हाथ आपको बार बार हाथ धोते रहना है, और सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना है। सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। और सबसे अंतिम जो आपको सलाह दी जा रही है कि इस दौरान आपको एल्कोहल मतलब शराब, फास्ट फूड जैसे पिज्जा बर्गर और अन्य जो इस तरह के जो जंक फूड होते हैं उसको नहीं खाना है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स से भी दूरी बनाकर रखना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। अब बात है कि टीका लगने के बाद क्या साइड इफेक्ट होता है, तो उसे घबराना नहीं है। साइड इफेक्ट में हो सकता है कि आपको सूजन हो सकता है कुछ समय के लिए, या बदन दर्द, बदन में ऐठन हो सकती है। उसकी बदन में ऐठन होने के बाद घबराना नहीं है, वो इसको टीका लगने के बाद छोटी सी बात है। लाल चकते निकल सकते हैं आपके शरीर में, लाल चकते जैसे लक्षण, ये आम लक्षण है। ये तो हो गया आम लक्षण की बात, लेकिन किस स्थिति में आपको टीका नहीं लगाना है, मतलब वैसे किस रोग पर होने पर टीका नहीं मिलेगा? तो यदि आपको बुखार है तो टीका नहीं लगेगा। बुखार, अगर खांसी है तो खांसी में भी टीका नहीं लगेगा। अगर जुखाम है तो जुखाम में भी टीका नहीं लगेगा। इस ऐसे इन तीन लक्षणों पर आपको टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसकी सूचना आपको दी जाएगी कि आपको डोज कब लेना है, एसएमएस द्वारा मिलेगा। टीका लग जाने के बाद आप में प्रतिरोधक क्षमता पूरी हो जाएगी, आप में कोरोना फिर छू नहीं सकता है आपको कोरोना। तो दोस्तों, अगर टीका लेना है तो उसकी तैयारी आपको कर दें, मैंने पूरी जानकारी शेयर कर दी है। कैसा लगा है वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, अपना ख्याल रखें। अब आपसे विदा लेते हैं, आपका दोस्त अभय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।